इस प्रोग्राम के सह संयोजक हैं MMR ग्रुप, बिल्डिंग बियॉन्ड एक्सीलेंस, शुद्ध प्लस पान मसाला, तुम में भी मैं हूँ, सबके मन को भाए, राजेश मसाला, पापड़ और गुलाब जामुन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे इस खास कार्यक्रम नक्षत्र में। मैं हूं आपके साथ जहरा शान। आज हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी समस्या से परेशान है और उन सभी समस्याओं में ग्रहों की अहम भूमिका होती है, जिनका ज्योतिष के छोटा सा उपाय करके आप अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं, मगर ऐसे उपाय किसी ज्योतिष गुरु के मार्गदर्शन के बिना संभव नहीं है। आपकी इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए हम हाजिर हैं कार्यक्रम नक्षत्र के साथ। अपने इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे आज का पंचांग, दैनिक राशिफल और आपकी कॉल्स के जरिए आचार्य जी करेंगे आपकी सभी समस्याओं का निदान, जिन्हें डेट ऑफ बर्थ और टाइम की कोई जरूरत नहीं, जो सिर्फ आपकी आवाज से ही निकाल लेंगे आपकी पूरी कुंडली। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजीव शुक्ला जी। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। भारत समाचार के सभी विज्ञ दर्शकों को प्रणाम। रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक रक्षका भक्ता नाम भयम कर्तर्ताता भव भवान मात द्वय मातर कृपा सिंधु शाण मातराग्र जो प्रभु वरद स्तंभर देहिम वांछित वांछितार्थत। वांछित पदार्थ प्राप्त करने के लिए और किस प्रकार से ग्रहों का अनुकूलन हो और इसके साथ साथ कैसे अपनी समसामयिक कालगणना के अनुसार छोटी से बड़ी समस्याओं का क्या हल है, कैसे क्या कहता है ज्योतिष शास्त्र इत्यादि, तो वैदिक शास्त्र के हिसाब से यथाशक्ति यथासंभव जो भी ज्ञान हमारे पास है उसके निराकरण के लिए, समस्याओं के निराकरण के लिए आपके लिए सभी के लिए उपलब्ध है, सादर उपस्थित है। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। आज दिनांक 16 मई 2018 दिन बुधवार, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी प्रथम तिथि। शुभ समय 11:18 से 12 बजे दोपहर कालिक सिद्ध हुआ है। राहु काल पुनः 12:02 से 1:43 दोपहर कालिक सिद्ध। नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र कृतिका और चंद्र का गोचर सूर्य के साथ वृषभ राशि में। सूर्य और चंद्र का गोचर, अमावस्या का मान जो बना हुआ था अब प्रतिपदा का मान आज लगा हुआ है। सूर्य और चंद्र शुक्र की राशि में और चंद्र सूर्य के नक्षत्र में, कृतिका नक्षत्र में, ये बताते हैं कि अपना स्वास्थ्य और जीवन शैली किस प्रकार से आप सुधारें जिससे आपको यथेष्ट लाभ हो। भारत समाचार के सभी दर्शकों को आज का दिन, मान दिवस, पंचांग, 16 मई बुधवार श्री प्रतिपदा, इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पंचांग के बाद अब गुरु जी से जानते हैं 12 राशियों के बारे में कि क्या खास है आज आपके राशिफल में, ऐसा क्या करें और किससे परहेज करें जिससे आज आपका ये दिन बहुत अच्छा बीते। दिन के अच्छा बीतने की शुभकामनाओं सहित मेष राशि प्रथम राशि, खान पान का आप आनंद लेंगे और साथ के साथ यदि आपका कोई यात्रा और इसके साथ साथ मनोरंजक यात्रा है तो ये बहुत आपके लिए आज के दिन शुभता का संकेत देती हुई मेष राशि का प्रभाव। सूर्यदेव इस राशि पर चूंकि उच्च के होते हैं अभी पुनः वृषभ में है तो क्या करेंगे, थोड़ा सा जरूरी रहेगा कि कार्य क्षेत्र में आज आपको सजग रहना है, यानी कुछ आपको इस प्रकार की सावधानियां रखनी है जिससे कोई त्रुटि ना हो। क्या नहीं करना, दोपहर 12 से 3 के मध्य यदि आप दीर्घ यात्रा का आपने बनाया है संकल्प तो 12 से 3 के मध्य आप उस दीर्घ यात्रा को ना करें, कल पे टाल दें और आगे के ऊपर टाल दें। वृषभ राशि वालों, सहायता करने का भाव आपके अंदर जागृत होगा और साथ के साथ धार्मिक और धर्म से जुड़े हुए कार्यों में मन लगेगा, उसको करने की आपकी इच्छा होगी। क्या करेंगे, एक छोटा सा उपाय कर लें, आज शिवलिंग पर कमल का फूल ये आप यदि अर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से आज आपको उसमें लाभ होने की संभावना दिखती है। क्या नहीं करना है वृषभ राशि वालों को, आज किसी से अपनी निजी बातें, जो भी अपनी निजी बातें हैं ये किसी से ना बताएं, नितांत अपने तक रखें, अन्यथा थोड़ा सा उन बातों का गलत अर्थ निकाल लिया जा सकता है। मिथुन राशि वालों, राजकीय कार्य आपके, शासकीय कार्य आपके निर्विघ्न पूरे होंगे और अच्छी बात इसके साथ ये है बुध की राशि है चूंकि और बुध का प्रभाव अच्छा है इसलिए आय के स्रोत यानी करेंसी का फ्लो कुछ बढ़ सकता है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात है क्या आपको करना है,
करने में ये ध्यान रखना है कि वाहन उधार नहीं लेना है, ये आपको बात ध्यान रखनी है, बस केवल इतनी बात ध्यान रखना है। और मिथुन राशि का प्रभाव दिनमान और रात्रिमान में पहले की भांति उचित और समुचित है। क्या नहीं करना है, कहीं भी चाहे घर हो चाहे दफ्तर हो या कहीं भी हो, तनाव का माहौल खुद से ना रखें, अन्यथा आप उस तनाव में उलझ सकते हैं। थोड़ा सा तनाव से दूर रहने का आज का पंचांग इंगित करता है। तत्पश्चात कर्क राशि अपना खान पान संतुलित रखें और साथ के साथ व्यवसायिक यदि यात्रा आप कर रहे हैं या चाहे लघु यात्रा हो चाहे दीर्घ यात्रा हो, आपको निश्चित रूप से लाभ प्रदान करने वाली है यात्रा ये। आज अपने विचारों को बार बार किसी के कहने पे बिल्कुल भी ना बदलें, अपने अपने विचारों को और उसके ऊपर समुचित और दृढ़ता से खड़े रहने का आज का दिन बताता है। क्या नहीं करना है, आज आपको कर्क राशि वालों को अपने आत्मसम्मान में, जो आपका स्वयं का सम्मान है, सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसको कह सकते हैं, वो आज आप उसमें कमी ना आने दें और उसको और बढ़ाने की चेष्टा करें। सिंह राशि वालों, धार्मिक प्रवृत्तियां आपके ऊपर हावी रहेंगी, धर्म और अध्यात्म से आप जुड़े रहेंगे किसी न किसी कारण से, लेकिन जरूरी ये रहेगा कि थोड़ा सा खान पान में और खास तौर से अपने स्वास्थ्य को लेके थोड़ा सचेत रहें। लेकिन क्या करें, आज बहुत समय बाद जिससे बहुत समय से ना मिले हों इस प्रिय व्यक्ति से आप मुलाकात कर सकते हैं और आपको करना भी चाहिए। कभी कभी छोटी सी की हुई चीज़ें आज आपको निश्चित रूप से लाभ दे सकती हैं। क्या नहीं करना है, सायंकाल 6 बजे के बाद धन से संबंधित कोई भी फैसला हो वो कल पे टाल दें। आज जो भी फैसला लेंगे धन से संबंधित, वो कहीं ना कहीं आपको हानि पहुंचाने की तरफ बढ़ सकता है, ये ध्यान देने वाली बात है। सिंह राशि वालों की, सिंह राशि सूर्यदेव की राशि है, इसमें तटस्थता और मध्यस्थता जरूरी है। व्यापार में आपको लाभ बढ़ेगा। कन्या राशि वालों, बुध की अच्छी प्रभाव और इसके साथ साथ मित्रों का भी आपको सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है। मित्र बंधु बांधव आपके लिए निश्चित रूप से कुछ बहुत अच्छा सोच रहे हैं और अच्छा करेंगे। क्या करना है, आज हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना है, 1 बार 5 बार 7 बार 9 बार इस प्रकार से आप कर सकते हैं, तो आप पाएंगे कि संध्या काल तक आपका दिन उचित हुआ है। लेकिन आज का नाम के व्यक्ति की वाहन या वाहन से संबंधित कोई भी ऐसी वस्तु ये ना लें, इतना ध्यान रखना है। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन देखने में छोटे लगे, घाव करे गंभीर, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते चले। कन्या राशि के बाद तुला राशि, आपकी आस्था ईश्वर के प्रति बढ़ रही है और साथ के साथ अच्छी बात यह है कि सेहत की जो सामान्यता है वो बहुत अच्छी आपकी बनी हुई, यानी कि स्वास्थ्य की दृष्टि से आप देखें तो तुला राशि के ऊपर आज का सद्प्रभाव। लेकिन दोस्तों से अपनी, जो भी आपकी दोस्तों से मित्रों से कुछ बातें उलझ गई हैं, उनकी वो गलतफहमी दूर करेंगे, आप पाएंगे कि ये ज्योतिषीय आधार पर उपाय हैं। आज किसी के वित्त के मामलों में सलाह ना दें और ना ही अपने लिए वित्त के मामले में सलाह लें। वृश्चिक राशि वालों, नवीन वस्तु की खरीदारी संभव है, आर्थिक स्थिति पहले से अच्छी है और इसके साथ साथ शत्रु थोड़ा सा आपके आज परास्त होने की तरफ हैं, शत्रु परास्त हो सकते हैं आपके, तो यानी शत्रु शमन आपका आज वृश्चिक राशि वालों का तेज है। क्यों, क्योंकि वृषभ राशि में चंद्र का गोचर है और वृश्चिक के ऊपर उसका ठीक सीधे प्रभाव आज अब देखा जा रहा है। क्या करना है, बजरंग बाण का 11 बार पाठ करें और बहुत अच्छा होगा यदि आप सस्वर इस पाठ को करें, तो बजरंग बाण का पाठ करने से, एक छोटी सी की हुई चीज़ से आज आपका दिन शुभ जाएगा। वृश्चिक राशि वालों, किसी से कर्ज ना लें और ना दें कर्ज, ये ध्यान रखने वाली बात है, बल्कि कोशिश करें कि आपका दिया हुआ कर्ज किसी तरीके से वापस आने की तरफ बढ़े। मांगलिक आयोजन की रूपरेखा बनेगी धनु राशि वालों और साथ के साथ अच्छी बात है, सुखों में वृद्धि होगी, सुखों के साथ साथ आपके मान सम्मान और शारीरिक स्वास्थ्य में भी उचित आपको अच्छा फल प्राप्त होगा, नया वाहन भी आप क्रय कर सकते हैं, यानी कहने का मतलब है वित्तीय आर्थिक और शारीरिक स्थिति सुदृढ़ रहेगी और सुंदर रहेगी। क्या करना है, जब आर्थिक स्थिति सुंदर है तो आलंबन लें सुंदर कांड का पाठ करें और सास्वर करेंगे तो
छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इससे इन स्तुतियों से निश्चित रूप से लाभ की प्राप्ति होती है। लेकिन अभक्ष्य भक्षण मदिरा पान इत्यादि ये बिल्कुल आज त्याज्य रखें धनुराशि वालों को, और ये इंगित करता है, आज का पंचांग बताता है कि इस प्रकार से आप अपने जीवन शैली को आगे बढ़ाएं और खाद्य पदार्थ भोज्य पदार्थ और अनैतिक कार्य करने से निश्चित रूप से बचें। कभी कभी सावधानी ही उपाय होता है। मकर राशि वालों, उच्च अधिकारियों से आपके संपर्क अच्छे बनने वाले हैं और बनेंगे भी। पिता या पिता तुल्य व्यक्ति या गुरु तुल्य व्यक्ति, इसका संयोग आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा, जिससे आने वाली कई बिगड़े हुए कार्य भी बनने की तरफ बढ़ सकते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है। आज लाल रंग के वस्त्र आपको धारण करना निश्चित रूप से आपके लिए कई प्रकार की वस्तुएं बढ़ाएगा, आयु वृद्धि और आरोग्य वृद्धि ये हो सकती है। लेकिन दूध की बर्बादी वैसे तो कभी नहीं करनी चाहिए, आज भी ध्यान रखना है इस बात का कि ये आपको पदार्थ आपके हाथ से गिरे ना और उसकी बर्बादी ना हो। तनाव कम होंगे कुंभ राशि वालों, आपके अकस्मात धन की भी प्राप्ति होगी। अच्छा दिन, शुभ दिन कुंभ राशि वालों के लिए भी है। मध्यमता नहीं है, उत्तमता की तरफ जा रहा है। वाहन संबंधी कार्य में थोड़ा सा आप समय दे सकते हैं या आपको समय देना चाहिए, सुखों में वृद्धि करने के लिए भी। लेकिन दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों से थोड़ा सा दूरी बनाए रखें, वो आज आपको परेशान करने की चेष्टा कर सकते हैं। मीन राशि वालों को उदर समस्या आ सकती है, उदर यानी पेट से संबंधित समस्या आ सकती है, लेकिन मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होने की मौका है, यानी कुछ मध्यमता और कुछ शिथिलता, कुछ उत्तमता। आज सेहत का विशेष रूप से ध्यान दें मीन राशि वालों। बाकी आज का दिन निस्तेज नहीं है, तेजस्विता की तरफ आगे बढ़ता हुआ, लेकिन किसी की बुराई ना करें। तो दर्शकों, मेष से मीन और मीन से मेष पर्यंत सारी राशियां गागर में सागर, क्या करें क्या ना करें ये सब आपने जाना, और इसको जान के स्वयं की राशियों को भी देखें और अपने अपनों की भी राशियां देखें, सबको बताएं और सभी का जीवन सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना से जागृत करें। और गुरु जी, आज बताइए कि हमारा विषय क्या है और आज हमारे दर्शकों को आप क्या बताने वाले हैं। जी बहुत बढ़िया, ये अच्छी बात है कि आपने स्वयं उसी से पूछ लिया। वैसे तो देखिए शनिदेव की अमावस्या ये निकल चुकी है, लेकिन उसका प्रभाव चूंकि 2 से 3 दिन रहता है, इसलिए जरूरी रहता है कि इस बारे में चर्चा भी हम लोग करें। क्यों? क्योंकि शनि जयंती और शनि जयंती के आसपास का समय, यानी 2 दिन पहले का 2 दिन बाद का समय बड़ा पूर्ण शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए होता है। तो इसीलिए किसी कारणवश यदि कल या उससे 1 दिन पहले, अमावस्या से 1 दिन, चतुर्दशी और अमावस्या पर यदि आप चूक गए हैं, तो प्रतिपदा पर भी संध्याकाल खंड तक आप निश्चित रूप से शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं। इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि शनि जयंती जो होती है उसमें शनिदेव का जन्म यानी जन्मोत्सव होता है। इसके बारे में कई लोग कई बातें बता भी चुके हैं, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात है कि उसका जो प्रभाव क्षेत्र है आपके जीवन में, किस प्रकार से आपके अंदर की जो ऊर्जाएँ हैं जो सुप्तावस्था में चली गई थी, कभी कभी ये लगता है कि किस प्रकार से आपने कई कार्य किए लेकिन उन कार्यों के ऊपर आपका ध्यान पूर्ण रूप से नहीं, यानी कंसंट्रेशन यदि किसी कार्य में भंग हो रहा है तो निश्चित रूप से ध्यान के रखिए कि या आपका किसी कार्य में मन नहीं लग रहा है। तो मन के प्रथम और प्रधान कारक शनिदेव ही बोले गए हैं, जो चंद्र को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। तो चंद्रमा मनसो जाता सूर्यो चक्षु अजायता, ये तो जो हमारे वैदिक डिमडिम घोष है, इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो मन को और तन को प्रभावित करना, धीमी गति से और द्रुत गति से दोनों से ही प्रभावित करने का कार्य, यदि एक बात ध्यान रखने वाली बात है, शनि देव वक्रत्व की अवस्था में है और साथ के साथ दूसरे प्रधान ग्रह जो हैं गुरुदेव स्वयं, वो भी वक्रत्व की अवस्था में है। इस समय किए गए शनिदेव से संबंधित उपाय, परसों कल जो बीत गया है वो और आज, ये बहुत ही अच्छा, नितांत उत्तम और नितांत अच्छा रहेगा। बुधवाश्री नक्षत्र और कृतिका नक्षत्र का अभी तो चतुर चरण चल रहा है, उसके बाद कृतिका नक्षत्र के बाद रोहिणी नक्षत्र का भी प्रमाण रहेगा संध्याकाल तक और दिनमान और रात्रिमान दोनों में। तो क्या करना है, छोटी छोटी बातें हैं आज और वैसे भी शनिवार को भी आप कर सकते हैं। जैसे पीपल के पेड़ की पूजा से शनिदेव के दोष काफ़ी हद तक दूर होते हुए देखे गए हैं, और
इसके साथ साथ यंत्र को स्थापित करने के लिए स्थिर राशि देखी जाती है। स्थिर राशि वृषभ राशि आज चल रही है। शनिदेव को नीले रंग के पुष्प इत्यादि ये भी आप यथाशक्ति यथा सामर्थ्य आप प्रदान कर सकते हैं, यानी प्रदान यानी उनके श्री चरणों में आप चढ़ा सकते हैं। साथ के साथ हनुमान चालीसा निश्चित रूप से जादुई जिसको कह सकते हैं, जादुई ही नहीं, इसके साथ सारे क्लेश हरने के लिए और बहुत सारी चीज़ों को दूर करने के लिए ये भी एक कार्य आप कर सकते हैं। जिन जातकों की ढैया यानी चतुर्थ की ढैया, बारहवीं ढैया, अष्टम ढैया, ये तीन प्रकार की ढैया होती हैं और कंटक भी बोल दिया जाता है, सप्तम भाव के भी शनि को कंटक बोल दिया जाता है, कहीं कहीं पंचम भाव को भी बोल दिया जाता है, अगर राशिवार इस प्रकार से चल रहे हैं तो भी ध्यान रखने वाली बात है। साढ़े साथी में चंद्र से बारवां पहला और दूसरा स्थान पे भी हो सकता है और इसके साथ साथ ये भी ध्यान देने वाली बात है कि शनि देव के वाहन और वाहन का क्या प्रकार है ये भी जानने की जरूरत होती है। साथ के साथ कौन से पद में हैं, चार पद होते हैं, स्वर्ण लौह चांदी ताम्र इत्यादि, यानी कि ये इसके साथ चार अगर पद होते हैं तो चार, जैसे नक्षत्र में चार चरण भी होते हैं, तो इसी प्रकार से आज का दिन बहुत ही शुभ रहता है ये करने के लिए। शनि देव को सरसों और सरसों का तेल बहुत प्रिय है, इससे आप अभिषेक कर सकते हैं। इसमें काले तिल और उड़द मिला के ये भी कर सकते हैं, यहाँ काले तिल और उड़द उनको अलग तरीके से उनके मूर्ति पे चढ़ा भी सकते हैं, ये भी ध्यान देने वाली बात है। तो इस प्रकार से कई कई ऐसे कार्य हैं जिनको करके आप प्रसन्न भी हो सकते हैं और आप अपने जो भी समस्या है समसामयिक वो भी दूर कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। छोटी छोटी बातें ध्यान रखिए और जीवन में आगे बढ़िए। गुरु जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अहम जानकारी हमारे दर्शकों को दी है और कई कॉलर्स भी अब हमारा इंतजार कर रहे हैं तो उनसे भी बात करते हैं। और आज के पहली कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, सीमा हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ी हुई हैं। बताइए क्या प्रश्न है आपका सीमा? जी जी प्रसन्न रहिए सीमा जी, बहुत बहुत प्रसन्न रहिए। देर रात से मेरे पति का जॉब छूट गया है, उनका नाम राजीव कुमार है, कब तक जॉब लगेगी? जी आ रा सा और डा इन राशियों का अगर हम नाम से लें या जिस प्रकार से प्रभाव ले और इस समय वक्रत्व का जो प्रभाव है, चिंता ना करिए, बहुत सारे कार्य उनके पेंडिंग हैं और बहुत सारे कार्य पेंडिंग इनके जल्दी ही दूर होने की तरफ बढ़ेंगे। थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि 18 जून के बाद से लेके 6 नवंबर के मध्य ये एक ऐसा कालखंड है, देखिए ज्योतिष शास्त्र में कालखंड अच्छा बताया जा सकता है और ये इनका अच्छा कालखंड है जो इनको रोजगार भी देगा और रोजगार के साथ साथ इनको थोड़ा सा कुछ बातों को ध्यान रखने के बाद बाधाएं भी इनकी दूर होंगी। बाधाओं को दूर करने के लिए जैसे कि आज बताया रोहिणी नक्षत्र से शनिदेव की उपासना शुरू करें और चौथे रोहिणी नक्षत्र पे तक आप निश्चित रूप से करें तो लगभग 4 महीने का ये प्रमाण मिलता है। ये करने से आप पाएंगे कि शनिदेव की उपासना और साथ के साथ बताई हुई विधियों से यदि आप शो देख के नोट कर रही हैं तो उसको नोट भी कर लें, छोटी छोटी बातें करें, आप पाएंगे निश्चित रूप से राजीव जी का बहुत अच्छा कल्याणकारी समय 16 जून के बाद से 6 नवंबर के बीच में होने की संभावना है। शेष फिर कभी। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आकाश हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। बताइए आकाश क्या प्रश्न है आपका? प्रणाम गुरुजी। जी प्रणाम, प्रसन्न रहिए। हम अपने दोस्त की बेटी के विषय में जानना चाहते हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 18 फरवरी 1996। जी बताएं। और जन्म का समय है दोपहर 2:45। क्या जानना चाहते हैं? हेलो जी हाँ, क्या प्रश्न है आपका? ये ब्लॉग कहीं शादी कर चुके हैं, प्रेम विवाह कर चुके हैं, क्या सफल रहेगा और ये नौकरी कब तक लगेगी? प्राइवेट जॉब करना चाह रही है तो घर से दूर रह के प्राइवेट जॉब करना चाह रही है तो कैसा रहेगा? विवाह का जो आपने प्रश्न पूछा है, चूंकि इस समय वृश्चिक राशि का प्रमाण मिला है, ये तो खैर कुछ गुप्त विद्याएं होती हैं जिससे जाना जा सकता है, लेकिन वृश्चिक राशि का प्रमाण आप एक चीज़ ये समझ लीजिए, थोड़ा सा ये राशि ऐसी होती है कि ये थोड़ा सा रहस्यमयी होती है, तो थोड़ा रहस्यमयी प्रभाव आपके ऊपर और आपकी बिटिया के ऊपर, आपके मित्र की बिटिया के ऊपर थोड़ा सा रहस्यमयी प्रभाव है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, विवाह का कालखंड अच्छा रहेगा। चंद्र की उपासना में ध्यान रखिएगा और दूसरी बात यह है कि चंद्र को आप बिटिया से कहिए
कि अर्घ जरूर दें। द्विज का चंद्र कल है और द्विज का चंद्र बहुत ही पावरफुल होता है, यानी कि बहुत ही शक्तिशाली होता है, तो कल उसको द्विज के चंद्र से निश्चित रूप से अर्घ दीजिएगा और आप पाएंगे 22वें दिन से 48वें दिन के अंदर इनकी समस्याओं का काफ़ी हद तक निराकरण हो सकता है। ये करिएगा पूरे पूरे, जिसको कह सकते हैं यथाशक्ति यथा सामर्थ्य के साथ साथ पूरी श्रद्धा के साथ भी करिएगा, तो ये उससे कहिएगा, ये छोटा सा उपाय है, तब उनको निश्चित रूप से लाभ होगा। रही बात इनके व्यवसायिक दृष्टिकोण की, तो 48वें दिन के बाद से 72वें दिन के अंदर आज से कुछ अच्छी खबर मिल सकती है इनके व्यवसायिक दृष्टिकोण के लिए। फिर भी कोई त्रुटि हो पुनः संपर्क करके बात करिएगा। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, अंकित हमारे साथ भदोही से जुड़े हुए हैं, बताइए क्या प्रश्न है आपका अंकित? अंकित आपको आवाज मिल रही है? यस मैम। गुरुजी प्रणाम। जी प्रणाम, प्रसन्न रहिए। गुरुजी मेरा बेटा 28 फरवरी 2018 को 2:03 सुबह पैदा हुआ था जी। तो उसके गुरुजी तबीयत खराब रहता है, तो कब तक ठीक होने को मिलेगा? जिस प्रकार से आपने किया है उसमें एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, आप जो भी उसका कुंडली है उसमें अच्छी बात यह है कि चंद्र के ऊपर शुभ प्रभाव है, इसलिए अगर कोई तबीयत की खराब की भी बात है तो चिंता करने वाली बात नहीं है, ज़्यादा कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, सबसे पहले ध्यान रखिए। दूसरी बात आप ये जरूर किया करिए कि जरूर अपने जो पितरों का है पितरों के संबंधित पूजन जरूर इत्यादि करा लीजिए, और दूसरी बात यह है भैरव जी के मंदिर जाके निश्चित रूप से 18 बार यानी रविवार जाना है, 18 रविवार आप भैरव जी के मंदिर जाके और उससे जो भी आपको मंत्र सिद्धि या अगर नहीं भी कर पाते हैं तो परिक्रमा करने के बाद आप भैरव जी का काला गंडा जरूर इसके बांध दीजिए या इसके पास रख लीजिए। दूसरी बात यह है कि इस समय की जो समसामयिक आप बता रहे हैं इसमें 6 दिन और 6 दिन के बाद 2 हफ्ते यानी 6 दिन से लेकर 2 हफ्ते 14 दिन यानी आज से 6ठे दिन से लेकर और 6ठे दिन के बाद 14वें दिन के अंदर निश्चित रूप से इसकी तबीयत अच्छी हो जाएगी, आप बिल्कुल भी परेशान। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, ममता हमारे साथ दिल्ली से जुड़ी हुई है, बताइए क्या प्रश्न है आपका ममता? गुरुजी प्रणाम। प्रणाम, प्रसन्न रहिए, आशीर्वाद। जी गुरुजी, जिस घर में हम रह रहे हैं इसकी बहुत जर्जर अवस्था है, तो इसमें हमें कोई चोट चपेट लगने की आशंका तो नहीं है, और इसी जगह पे हमारा नया घर कब तक बन पाएगा? 14 महीने का समय लगेगा कम से कम। इस बात का जो आपका प्रश्न है ममता जी, इसमें 14 महीने से पहले इसमें काम होने का वो है, और दूसरी बात ये है कि चूँकि व्यवस्था आपकी इस प्रकार से है, चोट चपेट इत्यादि लगने का भय आपने जो प्रश्न पूछा है ये अन्यथा प्रश्न नहीं है, आपका ये प्रश्न सामान्य और जरूरी है। इसमें चोट लगने का डर थोड़ा बहुत होता है, लेकिन इसमें जरूर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप अपनी नॉर्थ ईस्ट की दीवार पीले रंग से ज़रूर पेंट करा लीजिए, और इसके साथ साथ गेरू होता है उससे आप अपने घर में या जहाँ पर भी रह रही हूँ उसमें एक दीवार के नीचे से ले कर 1.5 फीट तक का एक बॉर्डर वो भी ज़रूर आप पेंट करा लीजिए, और स्वास्तिक और ओम जरूर पीतल का अपने मुख्य द्वार पे लगवाइए। कुछ बातें ये ध्यान देने वाली होती हैं, वास्तु से संबंधित ये है, लेकिन ये लंबे समय तक आपको नहीं करना पड़ेगा, वहाँ पे एक नया निर्माण जरूर हो जाएगा, उसके लिए बाद में आप किसी समय संपर्क स्थापित कर सकते हैं। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, दीपक हमारे साथ गोंडा से जुड़े हुए हैं, बताइए क्या प्रश्न है आपका? गुरुजी प्रणाम। प्रणाम, प्रसन्न रहिए। जी गुरुजी, आपने जनवरी में बताया था 27 तक कोई भी काम नहीं बन रहा था, 27 शनिवार आप जो है मंदिर जाए शनिदेव के गए थे, लेकिन गुरुदेव अभी कुछ काम ठीक नहीं बन रहा है। 27 शनिवार अभी आपके जब पूर्ण होंगे तो उसके बाद आपको निश्चित रूप से आपको लाभ होने की संभावना मिलेगी, लेकिन इस तारतम्य को बिल्कुल भी तोड़िए मत, क्योंकि अभी आप उस उपाय के मिडवे में हैं, यानी कि उसके बीच में करते हुए चल रहे हैं। बहुत जल्दी कभी कभी कुछ ऐसी समस्या होती है जिसका बहुत जल्दी निराकरण नहीं होता है, यानी 27 का मतलब ये हुआ कि 6 महीने का लगभग समय होता है, तो जनवरी के बाद से अगर लें तो फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई के बाद से आप कुछ इनसे संबंधित इन उपायों से संबंधित परिणाम आप अपेक्षा कर सकते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि इसको उपाय की जब श्रेणी कंप्लीट हो जाती है पूर्ण हो जाती है, और हाँ दूसरी बात यह है
कि ये उपाय के साथ साथ कर्मों पे भी ध्यान देना चाहिए और शुभ कार्य और सदकार्य करने चाहिए, इससे भी बुरा प्रारब्ध कटता है। कार्य आपके निश्चित रूप से बनेंगे, इसकी में कोई संशय नहीं है। फिर भी कभी दिक्कत आए तो जुलाई के बाद पुनः संपर्क करिए। तो आज ऐसे बहुत सारे कॉलर्स होंगे जिनकी कॉल हम समय के अभाव की वजह से नहीं ले पाए होंगे, तो उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है, वो अपना प्रश्न हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है bs.nakshatra@gmail.com और इसके अलावा आचार्य जी से आप संपर्क भी कर सकते हैं 800-400-3652 पर। और कल आपको गुरु जी बताएंगे कि आपके घर का मंदिर कितना शुभ है। लेकिन आज गुरु जी आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे दर्शकों को, हमारे कॉलर्स को उनकी समस्याओं के समाधान बताए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।